अब लोग बोलते कि मैं मुस्लिम को सपोर्ट कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ वो जानना चाहते हैं। राइट, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का वीडियो भेजा था, राम मंदिर के साथ नरेंद्र मोदी का जी का, एंड बाबरी मस्जिद के साथ राहुल गांधी का। अब भगवान ने राम मंदिर बनवाया तो क्या पॉलिटिक्स खेलने के लिए? अब उन्होंने किया है तो ठीक है ना, हम भी उतर गए पॉलिटिक्स में। दूसरा, वफ बोर्ड का 123 प्रॉपर्टीज़ का डाला था, और वो प्रॉपर्टीज़ निकली मुस्लिम लोगों की, कब्रिस्तान वगैरह, हिंदू का कोई हक नहीं था। और अगर भगवान ने कुछ किया है, हिंदू की प्रॉपर्टीज़ अगर मुस्लिम को दी है, तो कुछ करेंसी की होगी। तीसरा, मणिपुर का घटिया सा वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे लड़की लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि लड़की को नंगा भी करे ना तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे घटिया वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप पर। दूसरे उस पर भी करते ही है ऐसे वीडियो शेयर, पर ये जब मैंने देखा तब लोगों की सोच बाहर निकल कर आती कि क्या है। पांचवा, ऐसा शेयर किया था हिंदू हिंदू का, हिंदू के पैसे हिंदू को जाएंगे, मुस्लिम के पैसे मुस्लिम को जाए। अगर पूरी दुनिया ऐसे चलती है ना, पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती। आज तक मैंने जिनके लिए भी प्रे किया, एक्टर एक्ट्रेसेस जिनसे भी मिली, मैंने ये नहीं देखा था कि वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का है। मैंने मेरी फैमिली में भी ये नहीं देखा था कि सबकी रक्षा का जिम्मा उठाया था मैंने। सबके लिए सब कुछ प्रे किया। राहुल गांधी को कैंसल की गई पप्पू बोल के। अब राहुल गांधी की फैमिली ने कुर्बानी दी है देश के लिए, अब तुम उसको पप्पू बुला रहे हो, फेल बुला रहे हो। उसकी जान बख्शने के लिए उसे पीएम नहीं बनाया गया, उस चीज़ का तुम आज़ादी का मजाक उड़ा रहे हो। फिर सिख राइट्स की बात करी, मरे वो बोले कांग्रेस की वजह से मरे। इंदिरा गांधी जी मर गए थे, फिर उसके बाद हुआ था ये काम, बोला राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट, जबकि मैंने पढ़ा तब किसी कांग्रेस लीडर का। और वो कांग्रेस लीडर को किसी ने मैनिपुलेट करा, क्या किया उसके साथ, क्या हुआ, या वो किसी और का सदस्य था और कांग्रेस में ज्वाइन किया, सिर्फ भगवान जानता है, और कोई नहीं जानता कि कैसे ये पॉलिटिक्स की गई है। कभी कभी सच देखने के लिए ना दूसरों से या सबसे दूर होना पड़ता है, या कुछ ऐसा करना पड़ता है ताकि लोगों की सच्चाई बाहर आ सके, लोगों को डर देने के लिए, उनके कर्म डिसाइड करने के लिए, और सही लोगों के हाथ में सत्ता देने के लिए।